ये तीर्थ नैमिषारण्य अष्टम वैकुंठ पुराणों के अंतर्गत पद्म पुराण में अष्टम वैकुंठ बताया गया है। यहाँ पे बाहर से आए हुए तीर्थ यात्रियों के आने से इस भूमि के प्रभाव से कोई भी पुण्य का कार्य करते हैं तो अगर हम किसी को एक गुणा दान देते हैं तो वो चौगुणा करके हमें प्राप्त होता है। नैमिषारण्य आने के तदोपरांत गोमती नदी, चक्र तीर्थ और महाललिता माता के दर्शन, गोमती में स्नान, चक्र तीर्थ में मार्जन और ललिता माता के दर्शन करना आवश्यक होता है। यहाँ पे माँ पार्वती का हृदय अंग गिरा था, इसलिए ललिता देवी शक्ति पीठ के नाम से जानी जाती है। तथा युवा व्यास गद्दी पे व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की रचना की थी, इसलिए व्यास गद्दी प्रसिद्ध है। वहां पे मनु शत्रुपा ने हजारों वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के ब्रह्मण की तपस्या की थी, जिससे मनु शत्रुपा को वरदान प्राप्त हुआ था कि अयोध्या के राजा दशरथ होने पे अंशों के सहित राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्रों के रूप में उनके वहां जन्म हुआ। ऐसा वरदान श्री मनु शत्रुपा को नैमिषारण्य तीर्थ से प्राप्त हुआ था। हनुमानगढ़ी जहाँ पे जब लंकापुरी का युद्ध चल रहा था तो राम लक्ष्मण को जब अहिरावण पाताल लोक ले गया था, हनुमान जी ने अहिरावण का संहार करके राम लक्ष्मण को कंधे पे बिठा के नैमिषारण्य में निकले हुए हैं, तभी से वो हनुमानगढ़ी जाना जाता है। सूत गद्दी पे सूत जी ने 88,000 ऋषियों को बैठ करके सत्यनारायण कथा श्रवण कराई थी, इसलिए सूत गद्दी प्रसिद्ध है। ये नैमिषारण्य के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।